नमस्कार, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे स्वागत करती हूँ। आई एम टेकिंग एवरी लिटल इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि एक नहीं, मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़ा बच्चा तक या ओल्ड एज के लोग भी इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। न्यूरोपैथी कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे एक मैं मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये बताया था कि हम आयुर्वेद में डील करते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से प्रोग्नोसिस करती हूँ प्रॉब्लम्स का, कि आपकी प्रॉब्लम, आपकी जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है, उसका रीज़न कहाँ पे है। सो आई वर्क ऑन द रीजंस। उसमें यहाँ पे ये मेंशन करूँगी कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ त्रिदोष को बेसिक मानते हैं, तो यहाँ पे मैंने शुरू किया था कफ वर्धक आहार विहार, जो आज की डेट में हमारे सब लोग का जो रूटीन जो बन रहा है, कॉमन जो ले रही हूँ, तो वहां से शुरू किया था मैंने कफ और पित्त। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे फिर वात इट कम्स लेटर ऑन, अदरवाइज जो न्यूरोपैथी है वो वात की ही प्रॉब्लम है। तो वात की हमारे आयुर्वेद में 80 प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं। तो जितना भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी में खुद संचालित होता है, जैसे खाने का डाइजेशन भी है, कफ और पित्त हेल्प करते हैं उसके असिमिलेशन में, और बट जो मूवमेंट्स हैं वो वात से रिलेटेड होती हैं। तो वात का मेन काम हमेशा मूवमेंट्स में रहता है। तो मैं पिक्चर्स इंसर्ट करूंगी सो दैट आप इजीली समझ पाओ हर चीज को और इजी हो जाए आपकी समझना। मैं यहाँ पे त्रिदोष वात पित्त कफ की इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी बॉडी में, तब जाके हमारा पूरा सिस्टम ठीक ठाक से चलता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि हमने खाना हैवी खाया। आज की डेट में खाना देखेंगे, पहले हम लोग जितना रफेज होती है उतनी इजीली हमारी बॉडी से पास हो जाती है, जितना खाना फाइन होता जाता है, मैदा हो गया, इतनी सारी छोटी छोटी जितनी सारी चीज़ें हैं, चीज़ हो गया, इनको असिमिलेट करने में उतना हार्ड होता है इनके असिमिलेशन। और उस पे सोने पे सुहागा ये हो रहा कि आपको फैट मिले इज ओके, बट आज की डेट में वो सारा इतना अडल्ट्रेटेड है कि उसको डाइजेस्ट करने में, आप देखेंगे बहुत सारे लोग वीडियोज बनाते रहते हैं कि चीज को भी बर्न करते हैं, उसमें से घी निकलता रहता है या वो भी सड़ जाता है, आप देखोगे कि बहुत सारी अडल्ट्रेशन हो रही है। तो यहाँ पे कंसर्न ये आ जाता है कि हम लोग एक दूसरे के ही इतने दुश्मन बने हुए हैं, तो किसी को क्या कहना है ना। तो हम लोग जितना खुद को बचा सकें उतना अच्छा है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होके खाना खाना चाहिए, क्योंकि मक्खन और मैदा उतना प्रॉब्लम नहीं करता जितना उसमें अडल्ट्रेशन करती है और जितनी उसमें मिक्सिंग हो रही है, मेलामाइन, ये सब चीज़ें उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने में लोग लगे हुए हैं कि हाँ हमारा खाना, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड हम लोग खाने लगे हैं, टेंड फूड खाने लगे हैं, तो लोगों को उसमें स्टेबिलिटी भी तो चाहिए। आप घर पे देखेंगे आटा अब आपने सुबह मॉर्निंग में बनाया है, दोपहर तक उसमें वो फॉन आ जाएगा, अगर गर्मी का मौसम है, सर्दी में फिर भी थोड़ा स्टेबल हो जाता है। तो इतनी जल्दी मार्केट में कोई अगर चीज देगा तो वो तो इतनी देर टिकेगी नहीं, तो उसको स्टेबिलिटी के लिए उनको ऐड करना पड़ता है, उसके सारे सिम्टम्स दबाने पड़ते हैं। जब हम किसी चीज में भी, थोड़ा सा टॉपिक से साइड जा रही हूं, बट इट इज असेंशियल, जरूरी है समझना, क्योंकि हम किसी भी चीज की प्रकृति है, वो चाहे मेरी बॉडी की प्रकृति है, वो चाहे किसी फूड की प्रकृति है, चाहे किसी फ्रूट की प्रकृति है, जब हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि मेरे जितने भी पेशेंट हैं, आप उनसे पूछ के देखना, मैंने कभी नहीं बोलती कि आप अपनी प्रकृति चेंज करो या आपका ये स्टाइल है आप उसको बदलो, नहीं बदलना, क्योंकि जितना हम अपनी प्रकृति, भगवान ने हमें बना दिया है, एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारी ये प्रकृति बन गई है, उसमें हम उतनी ही चेंज करेंगे जितनी जरूरी है। हम उसमें अननेसेसरी जब चेंजेस करते हैं तो वी हैव टू सफर। यू कैन सी लॉट ऑफ वीडियोज अराउंड जिसमें ये सारी चीजें लोग बहुत मेंशन करते हैं। तो हमें जरूरत क्या है अपनी प्रकृति चेंज करने की, हम अपनी प्रकृति में ही रह के, अगर मैं हेल्दी हूं, अगर मैं मोटी हूं या थोड़ा सा वेट ज्यादा है, तो अगर हम हेल्दी हैं और हम खुश हैं तो वी आर ओके विद दैट। आपको उस चीज की इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ फिक्र होनी चाहिए कि हाँ मुझे मेरा वेट इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, भगवान ने मुझे कफ प्रकृति की बनाया है, तो दैट इज ओके, इट इज हिज विश ना, भगवान ने हमें बनाया है, हमारी प्रकृति की संरचना उसने ऐसे करके दी है,
क्योंकि मेरे जीन्स वैसे आए हैं, तो वहां पे फिक्र मत कीजिए। मैंने देखा है अब सारी जिंदगी लोगों की पतले होने में, पतले लोगों की मोटे होने में लग जाती है, बट इन द एंड द रिजल्ट इज नेगेटिव। तो इतनी मार्केट खड़ी करी हुई है लोगों ने कि वेट गेन की मेडिसिन ले लो या वेट लूज करने की ले लो, नहीं लेनी हमें। आप जो भगवान ने आपको दिया है उसमें जब आप खुश रहना सीख जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत कम होती जाएंगी। आप ये मेरे से लिखवा के ले सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू होते हैं कि फिर हम लोग आते हैं कि हम लोग अगर कफवर्धक आहार विहार लेते भी हैं तो उससे हमें आगे जाके क्या दिक्कत होती है। तो मैंने बताया स्टमक को मुश्किल होती है उसको डाइजेस्ट करना, उसके बाद आ जाता है लिवर का काम आ जाता है। लिवर लिवर के साथ साथ वहां पर पैनक्रियाटिक गॉल ब्लैडर ये सारे जूसेस आपके, क्योंकि फायर बढ़ेगी, हमने खाना ऐसा लिया है तो हमें उसको डाइजेस्ट करने में भी मुश्किल होगी। तो हर चीज को एफर्ट जो है अपनी अपनी क्या कहते अपनी जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। जब हमें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है नेचुरली हमारी बॉडी की वियर टेयर ज़्यादा होती है। तो जब लिवर गॉल ब्लैडर या पैनक्रियाज इन सब को एसिमिलेशन के लिए मोर एफर्ट दे पुट मोर एफर्ट एंड फिर उस पर क्या होता है कि पित्त का और प्रकोप हो जाता है। तो जब कोई भी चीज़ ज़्यादा होती जाती है तो उसका अधिक्य हो जाता है। तो पित्त का जब अधिक्य हो जाता है तो वो फैट को और एसिमिलेट करना शुरू कर देता है। तो रस से रक्त बना था, रक्त से मांस बना था, मांस से मेद बनना है। अब यह मेद मेद जो है दैट इज हेल्दी ट्राइग्लिसराइड या हेल्दी फैट जो हमारी बॉडी में होनी चाहिए, बट होता क्या है कि वो हेल्दी नहीं रहते, वो इतने माइन्यूट होना शुरू हो जाते हैं कि दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, वो पास होने शुरू हो जाते हैं, हर बैरियर से पास होने शुरू हो जाते हैं और वो आर्टरीज और वेन में जाके एसिमिलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आर्टरीज और आर्टरीज में आपकी एसिमिलेशन होनी शुरू हो जाती है तो वी कॉल एट द एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज जो हमारा अगर हमारी कोई भी आर्टरी जो फ्रेश ब्लड कैरी करती है बाकी ऑर्गन्स के लिए, अगर उसका ल्यूमन इतना है तो उसका ल्यूमन टाइट हो गया, और उसके साथ साथ टाइट तो हुआ ही, उसके साथ साथ उसके उसमें जो ब्रिटल जो उसकी इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी क्या है कि उसने उसमें ब्लड ज़्यादा आया तो वो फैलेगी, उसमें ब्लड निकल गया तो वो कम होगा। अब जैसे जैसे ये क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, इसमें सारा योगदान ब्रेन का है, तो वो जो इलास्टिसिटी उसकी इफेक्ट होती है तो धीरे धीरे जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल रबड़ का देती हूँ मैं कि रबड़ की इलास्टिसिटी हम एक इसको स्ट्रेच करते हैं फिर इसको रिलैक्स करते हैं, स्ट्रेच करते हैं रिलैक्स करते हैं, बट एक स्टेज आती है जहाँ पे जाके रबर टूट जाती है, ये हमने बचपन में सबने देखा हुआ है। तो ऐसे ही होता है कि हमारी जो आर्टरीज हैं या हमारी नर्व्स हैं जो न्यूट्रिशन लेके जा रही हैं और सप्लाई कर रही है हर चीज़ को, वो ब्रिटल होना शुरू हो जाती है। एक तो उनका ल्यूमन कम हो गया, उसने जितना अगर वेट उसने मान लो 1 गैलन लेके चलना है तो वो उसका 75% रह गया। अब जब हम उसका वहीं पर ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो फर्दर उसमें क्या होता है कि उसमें फिर वो सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अब यहाँ पे इतना सब होने पे क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट हाइपरटेंशन होनी शुरू हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही आर्टरीज और वेन्स ने ब्लड जो है हार्ट को देना है, हार्ट से लेके उन्होंने बाकी ऑर्गन्स को देना है, बाकी ऑर्गन्स में ब्रेन भी आ जाता है, बाकी ऑर्गन्स में हमारा हार्ट इटसेल्फ आ जाता है, हार्ट इटसेल्फ पंप करेगा अपना खुद, क्योंकि वो उसको श्रिंक होना पड़ता है, उसको फैलना पड़ता है, जब फैलता है तो वो ब्लड उसमें आता है, फिर वो श्रिंक करता है तो ब्लड उसमें से पंप अप होता है। तो वहीं पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, हार्ट पूरा अपना जो है ब्लड वापस भेज नहीं पाता, और फिल्ट्रेशन होनी है लिवर और लंग्स की, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ पर ये सारे ऑर्गन्स जो है इफेक्ट होना शुरू होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होना इस स्टेज पे क्या आ जाता है कि एक तो आपको हाइपरटेंशन होगी, दूसरी आपको हाइपर एसिडिटी होगी, तीसरा अगर आप नहीं रुके तो आपको डायबिटीज भी होगी। तो 3 प्रॉब्लम आपने यहाँ तक आपने अटेन कर ली अपने बॉडी में। तो नेक्स्ट क्या होता है वो अगले एपिसोड में लेंगे। थैंक्स, कीप ऑन वॉचिंग।